राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम मांगेराम है जी। कहाँ से आए हो? सिरसा डिस्ट्रिक्ट डवाड़ी से आए हैं जी। अच्छा। रामबनवाड़ा है जी। अच्छा, तो हम दिल्ली कूच के लिए जा रहे थे तो एक किसान भाइयों की तरफ से लंगर की व्यवस्था थी और हमने यहाँ पे चाय पानी नाश्ता भी किया। इन भाइयों का तय दिल से धन्यवाद है। ऐसे किसान भाई हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, तो कैसी व्यवस्था लगी आपको? बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी, भाइयों की तरफ से बहुत ही बढ़िया। और इतना प्यार आदर सम्मान इनका देखकर हम इनके मतलब ऋणी है। चलो, और कितने आदमी आए हो आप? हमारी एक बस भरी हुई है जी। अच्छा, लगभग 20-25 आदमी हमारी बस के अंदर है। तो कितने दिन रुकने का प्रोग्राम है? हमारे वैसे वहाँ पे ट्रैक्टर ट्रालियाँ वहीं पे है जी। अच्छा। हमारा तो आना जाना चलता है, जिस किसी भाई को कोई मतलब काम हो जाए, जैसे किसी की माता जी बीमार हो गई या किसी का कोई खेती करते हैं जाते आते रहते हैं। हमारी तरफ गांव से बस आती है जी डेली 2-3 दिन बाद। जैसे जो किसान भाई वहाँ बैठे हैं आपके गांव से भी वहाँ बैठे हैं? हाँ जी, हमारे गांव के लगभग 20-25 किसान भाई बैठे हैं। अच्छा, तो 20-25 किसान भाई बैठे हैं, जैसे उनकी फसलों की देखभाल वगैरह पीछे से हम करते हैं जी। हमारे गांव के अंदर है ना, वहाँ पे उनका सारा काम है। पीछे से हमारे जो दूसरे किसान भाई वहाँ है वो सारा काम करते हैं जी। वहाँ पे पानी लगाते हैं, उनमें रेत डालते हैं, खाद स्प्रे वगैरह सब कुछ करते हैं। क्या उम्मीद लगती है आंदोलन को लेकर? उम्मीद तो जी देखो, सरकार है, उम्मीद तो बहुत बड़ी है। राजा है, राजा से तो प्रजा को उम्मीद होती है। पर जैसी हमें उम्मीद लग रही है उस उम्मीद पर हमें लगता है भी सरकार अभी मान नहीं रही है, बात मानना पड़ेगा। तो मौसम भी खराब है लगातार, कितनी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है? देखो जी, मौसम तो वैसे खराब है, हम जमींदार हैं, हमारे लिए ये सर्दी बारिश ये तो कुछ मायने नहीं रखती। हम खेत में रात को दिन में बारिश में हर जगह ये सब करते हैं, हमारे लिए वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं। हम जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापिस नहीं लेगी, किसानों की बात नहीं माने, जब तक हम लोग वहाँ डटे रहेंगे। धन्यवाद। MSP की गारंटी नहीं देगी तब तक हम वहीं डटे रहेंगे। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब? रामेंद्र आर्य। रामेंद्र आर्य भाई साहब, कितने दिन से आपका ये प्रोग्राम चल रहा है चाय पानी का? ये 20-25 दिन हो गए जी। अच्छा, गांव के सहयोग से चल रहा है, बाहर से भी कुछ? नहीं, पूरा बाहर से नहीं, गांव से करते हैं हम। अच्छा। पूरा गांव इसका सहयोग, सारे सब ने मिल करके चाय पानी भी, नाश्ता खास जो खाना जो कुछ भी है, पूरा गांव मिलकर कर रहे हैं जी। क्या क्या व्यवस्था कर रखी है? सब्जी पूरी है, खाना नाश्ता भी है, चाय ब्रेड पकौड़ी बनाते सुबह शाम। अच्छा। और आते जाते कोई मान लो जरूरत पड़े तो रात को भी ठहरने की व्यवस्था की। अच्छा, तो क्या उम्मीद लगा आपने? कुछ उम्मीद लगा है? देखो जी, किसानों की भावना है, परमात्मा जी साथ देगा और मोदी को भी अकल आएगी, ऐसी बात नहीं है। आज 4 तारीख है, आज का दिन जो केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए रखा था। देखो तो आज तो है, आज तो रख रही है, चल रही है। बाकी लोग ये भी कह रहे मुश्किल है, बाकी आस हम तो ये करे, आस है कुछ न कुछ बात बनेगी। धन्यवाद भाई। क्या नाम भाई? सुरजीत है जी। आपका क्या काम है भाई? हमारा जी खाना पीना पकाना जी। अच्छा। और बढ़िया व्यवस्था देते हैं जी, सब पानी जानी होली। कौन सा गांव आपका? हम मैम से हैं जी। मैम से? हाँ जी। तो आपको यहाँ किसने रखा हुआ है? इन्हें गांव वाले की तरफ से जी। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ की व्यवस्था और कितने आदमी रोजाना रुकते होंगे अंदाजन? अंदाजा जी 2000 के करीब खाना खा के जाते हैं लोग। 2000 आदमी रोजाना खाना खा के जाते हैं। पंजाब वाले जो लंगर लगाते थे, इस प्रकार की सेवा मौका आपने भी मिला जी? बिल्कुल मिला जी, और खुश होकर जाते हैं सब। अच्छा जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है भाई। क्या नाम है भाई? अमित। अमित भाई कितने दिन से हो यहाँ? मैं तो 2-4 दिन से यहाँ पे लगा हुआ जी, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। अच्छा, सेवा पानी करके जी। अच्छा अच्छा महसूस हो रहा है, सेवा पानी करके महसूस हो रहा है। बाहर से जो लोग आते हैं लगातार खाना खाने के लिए, चाय पानी के लिए रुकते हैं? हाँ जी, लगभग रुकते हैं सभी यहाँ पर। तो व्यवस्था जो गांव की तरफ से कितनी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है जी यहाँ पर, और अच्छी तरह खाना वगैरह बहुत अच्छी तरह खुश हो के जाते हैं, लंगर वगैरह छकते हैं। कितने लड़कियाँ ड्यूटी लगी है? हम लगभग 5-6 आ जाते हैं सुबह में, शाम को जितनी जरूरत होती है उतने आ जाते हैं यहाँ पर। और ये तो खुद भी जैसे ये हलवाई भाई है ना, ये चले जाते हैं तो रात को 11 बजे अपने आप बना के खिला देते हैं बच्चे। ठीक है भाई। के नाम भाई? विजेंद्र है जी। विजेंद्र भाई, सेवा का मौका मिल रहा है? हाँ जी जरूर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, और हम जी हम ये चाह रहे हैं जी सेवा मौका बार बार मिले सर। अच्छा, तो क्या उम्मीद लगा वापिस होने की, कानून की वापिस लेना पड़ा है जी? अच्छा। जरूर लेना पड़ेगा। मौसम भी खराब है? बस मौसम खराब है, कुछ भी हो रहा हो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं जी। हम तो ये जा रहे हैं मोदी सरकार के जमींदार का के पक्ष में है जी हम तो। अच्छा। और किसान के साथ खड़े हैं, हम भी किसान हैं भाई जी। गाँव खरकड़ा है ना? गाँव खरकड़ा है जी। ठीक है भाई। Thank you.
ठीक है।